अस्सलाम एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ गोंद का हलवा। इसमें जो है सबसे पहले हम यूज करेंगे आटा, गोंद और बादाम पिस्ते, चीनी। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें सादा आटा भून लेंगे। इसको हम इस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लगे। देखिए कि हमारे आटे का कलर चेंज हो चुका है, इसे हम उतार लेंगे। दूसरा बर्तन हमने लिया है और इसमें जो है हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और गोंद डालेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, हमें हमारा ये गोंद का कलर चेंज हो रहा है। गोंद का कलर हमारा हो चुका है तैयार बन के। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हमने जो आटा भुना था वो इसमें, देखिए अच्छे से देंगे। जो गोंद हमने पीसी थी वो बादाम पिस्ते, अगर आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ बादाम पिस्ते। बहुत अच्छे से मिला लें, हमारा हलवा रेडी हो चुका है। जैसे चाहें तो आप लड्डू भी बना सकते हैं और किसी ट्रे में जमा भी सकते हैं। हम जो है इसको एक ट्रे में जमा देते हैं, इससे लोग उनके लड्डू भी बनाते हैं। अच्छा, अब इस हलवे को हम गरम गरम निशान लगा देंगे, क्योंकि जमने के बाद इसके पीसेस निकल आए। रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप इसे खाएं, सर्दियों में स्पेशली खाएं।